हेलो दोस्तों, मैं साधना बनारसी। एक ऐसा भी प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के कबीर की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। कबीर कभी भी प्रेम करने के बारे में नहीं सोचा था। चलिए हम कबीर की प्रेम कहानी बताती हूँ। कबीर काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। उससे हर अध्यापक खुश रहते थे। जब वो अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की सोनम, काल्पनिक नाम का, दाखिला हुआ। सोनम पढ़ने के काफ़ी सही थी। कबीर मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था। अब सोनम उस कबीर की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह करा सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगीं। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें जब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। सोनम तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। कबीर के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कबीर को कुछ भी नहीं पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई ख़त्म होने को थी। सोनम सोचती थी कि कबीर अपने तरफ से बोले, लेकिन कबीर अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर में सोनम ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन कबीर के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो कबीर के दोस्तों ने उसकी परीक्षा का खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात अध्यापक तक पहुंची, तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात कबीर के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस सोनम से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब सोनम से शादी कर ली। कबीर को भी सोनम से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतज़ार में था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।